खाना फटाफट में आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए रेसिपी के साथ। चलिए बनाते हैं उपमा। उपमा बनाने के लिए लगेगा रवा, जिसको मैं ड्राई रोस्ट करके रखी हूँ, और लगेगा कुछ सब्जियाँ। जैसे मैं चॉप्ड करके बीन्स को, फ्रेंच बीन्स, गाजर, टमाटर, प्याज और थोड़ा सा सींग दाना ली हूँ, बारीकी से कटा हुआ टमाटर और ली हूँ करी पत्ता। अभी कढ़ाई पे तेल के साथ थोड़ा सा घी ऐड करके एक एक करके सरसों, करी पत्ता और हरा मिर्ची ऐड करके उसको 10 सेकेंड तक फ्राई करने के बाद सींग दाना ऐड करना है। अभी सींग दाना को दो से तीन मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे बारीकी से कटा हुआ प्याज। प्याज को भी 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद हम लोग बाकी का जो सब्जियां है वो ऐड कर देंगे। मेरे सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट्स, शेयर कीजिए। अभी देखिए, बात करते करते सब्जियां भून ली हूँ, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करके अभी मैं वो ड्राई रोस्ट किया हुआ रावा को डाल दूँगी। रावा के साथ पूरा सब्जी थोड़ा सा भून लेना है, और नमक और टमाटर डाल के और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये जो उपकरण का लेवल है ये लेवल पे पानी डालना है। अभी मैं थोड़ा सा शक्कर डालूँगी और धीमी फ्लेम में इसको हिलाते रहना है। धीमी फ्लेम पे आप इसको जितना हिलाते रहोगे उससे इसमें जो स्टिकीनेस है वो कम होता जाएगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ऐसा धीमी फ्लेम में आपको मिनिमम 10 से 12 मिनट तक स्टिर करना है, हिलाते रहना है, और उसके बाद आप देखोगे ये खिला खिला हो गया है और ये इसका जो परिमाण है ये भी बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो ना ये कितना खिला खिला हो गया है। तो चलिए अभी इसको सर्व करते हैं। गर्मा गर्म उपमा ब्रेकफास्ट में या तो नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। इतना तक मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू।